हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और मेरे चैनल इंपीरियल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं DAV क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर डी। और ABC मैंने पहले वीडियो में ही सॉल्व कर दिया है और मैं अभी डी सॉल्व करने जा रहा हूँ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। लिस्ट द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल। तो वो दो फैक्टर बताना है जिससे शेप ऑफ सेल डिटरमाइन होता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल आर लोकेशन एंड फंक्शन। जो शेप ऑफ सेल होता है वो दो फैक्टर, लोकेशन और फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर, गिव टू एग्जाम्पल फॉर इच। हमें यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है और दो एग्जाम्पल भी देना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। हम पहले एक बॉक्स बना लेंगे, एक तरफ यूनिसेल्युलर लिखना है और एक तरफ मल्टी सेल्युलर लिखना है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर मेडअप ऑफ सिंगल सेल, और उसका जो एग्जाम्पल होने वाला है यूग्लिना एंड अमीबा, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेडअप ऑफ मेनी सेल्स, सच एज एग्जाम्पल में हमारा ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल, बहुत सारे हैं जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। और हम तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। गिव द रीज़न फॉर द फॉलोइंग। द सेल इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और बी प्लांट सेल आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल। चलिए आंसर देखते हैं। द सेल इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल आर मेडअप ऑफ सेल। ए सेल इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल लिविंग थिंग्स एक्टिविटीज सच एज न्यूट्रिशन एंड फंक्शन एक्सक्रीशन। सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेल वो हर चीज़ करता है जो एक लिविंग थिंग्स करता है, और सभी लिविंग थिंग्स सेल से ही बने होते हैं। इस वजह से सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। और दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन है, प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल। प्लांट सेल जो है एनिमल सेल से रिजिड क्यों होते हैं? तो इसका आंसर है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल द प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन एनिमल सेल। क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से प्लांट सेल जो है एनिमल सेल से ज़्यादा रिजिड होते हैं। चौथा हम आंसर देखते हैं। विच सेल ऑर्गेनिल्स इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड वाई। कौन सा सेल ऑर्गेनिल पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है और क्यों? तो चलिए हम आंसर देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉन एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, और एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग प्रोसेस ड्यू टू दिस माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान यही एनर्जी प्रोड्यूस होता है और यही एनर्जी सेल के द्वारा यूज़ किया जाता है। और पांचवा देखते हैं। नेम द सेल ऑर्गेनिल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट। तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके कारण फ्रूट्स और लीव्स जो है कलरफुल होते हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर टू द लीव्स एंड फ्रूट्स। तो आंसर क्या होने वाला है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की वजह से फ्रूट्स और लीव्स जो है कलरफुल दिखाई देते हैं। छठा आंसर देखते हैं, छठा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैगजिला, राइट वन सिमिलैरिटीज एंड वन डिसिमिलैरिटीज बिटवीन टू ऑफ देम। तो सीलिया और फ्लैगजिला क्या हैं और उसमें सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज क्या हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं। सीलिया एंड फ्लैगजिला आर एक्सटेंशन ऑन द सेल मेम्ब्रेन, दीज हेल्प इन लोकोमोशन एंड प्रोक्रूमेंट
प्रोक्रूमेंट ऑफ फूड इन ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पारामोशियम. सीलिया आर मच सिमिलर टू द फ्लैगजिला. तो सीलिया का क्या काम होता है, लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ऑर्गेनिज्म जाने के लिए सीलिया का यूज़ करता है, और उसे फूड मतलब एज ए हैंड वो काम करता है किसी सेल के लिए. और वो सीलिया जो है अमीबा और परामोशियम में मौजूद होता है. और छठा हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं. इफ ओनियन पिल्स एंड चिक सेल्स आर ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप, स्टेट टू मेजर डिफरेंस दैट ऑब्जर्व इज लाइकली टू फाइंड. और इस क्वेश्चन में बोल रहा है अगर ओनियन सेल और चिक सेल में माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाए तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा. तो चलिए देखते हैं. तो सेल आर अरेंज्ड इन ओनियन सेल. सेल जो है ओनियन सेल में अरेंज्ड होता है, और चिक सेल में सेल रैंडमली अरेंज, और चिक सेल में अरेंज नहीं होता है, रैंडमली होता है. और दूसरा सेल वॉल इज प्रेजेंट, और ओनियन सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा और चिक सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगा. अब चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग इन टू सेल टिश्यू एंड ऑर्गेनल्स. इसको हमको क्लासीफाई करना है सेल टिश्यू और ऑर्गेनल्स में. चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं. सेल में क्या क्या होने वाला है, फैट सेल और आरबीसी. आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स. और टिश्यू में क्या होने वाला है, ब्लड और मसल्स. और ऑर्गेन में क्या होने वाला है, स्किन एंड ईयर. और जो नेक्स्ट है ये मैं दूसरे वीडियो में वो डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर लेंगे. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.